और दिल्ली में कैब चालकों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काली खां से सामने आया है, जहां पर एक ओला कैब का ड्राइवर एक दुकान से सामान लेकर भागने लगा और जैसे ही दुकानदार ने उसे रोकना चाहा तो ड्राइवर ने कैब दौड़ा दी, जिससे दुकानदार का हाथ कैब के शीशे में फंस गया। करीब 1 किलोमीटर तक ड्राइवर उसे घसीटता रहा। वहीं राहगीर और दूसरे दुकानदारों ने मिलकर किसी तरह कैब को रोका, साथ ही आरोपी ड्राइवर को धर दबोच कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर के साथ ही उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। क्या था, मैं ऐसे करके लटक करके ये मेरा पैर रोड पे घिसता था, वहीं जा रहा था इस टाइम से। फिर वो जो है जो लड़का यहाँ बैठा हुआ था, वो लड़का मेरे हाथ को ऐसे करके पीछे गिराया तो हम रोड पे गिर गए। रोड पे गिरने की वजह से यहाँ चोट लगा। वहाँ से एक दुकान में सिगरेट और कुछ और सामान, करीब 2-3 हज़ार रुपये का सामान ये दुकान में लिया, और वहाँ से बिना पैसे दिए भी वापस टैक्सी में बैठ के भागने लगे। तो दुकानदार हैं सलाउद्दीन, उन्होंने पीछा किया उसका, और काफ़ी देर तक उस टैक्सी का पीछा करने के बाद रोक दिया गया और फिर उसको पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। ये टैक्सी कौन से क्या थे, ओला थे या क्या थे? ये टैक्सी जो है उस पर ओला कैब्स का वो सिंबल बना हुआ है।